हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित होगी। इसको लेकर कोविड 19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा और भक्तों द्वारा सोशल दूरी के तहत पूजा अर्चना, जल अभिषेक, कीर्तन, भजन किए जाएंगे। इस अवसर पर दिल्ली के भक्तों की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। प्रधान पुजारी बागेश लिंग ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने तथा पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के उखीमठ से कैलाश रवाना होने की तिथि पंचांग गणना के अनुसार घोषित की जाएगी। वहीं कपाट खोलने की तिथि घोषित होने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर को लगभग 8 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। उन्होंने बताया कि विगत 2 वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद यात्रा पर विराम लग गया था, इसलिए इस वर्ष स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों में भारी उत्साह बना हुआ है। मेरा नाम है वागेश सिंह, प्रधान पुजारी श्री केदारनाथ मंदिर। भगवान केदारनाथ जी का गद्दी स्थान उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर है। भगवान केदारनाथ जी का और द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जी का शीतकालीन पूजा 6 महीने पूजा इस स्थान पर होता है। इसके लिए पंचकेदार का गद्दी माना जाता है। आज महाशिवरात्रि का विशेष कल से प्रारंभ हो रहा है। महाशिवरात्रि कल सुबह प्रातःकाल 9:30 बजे भगवान केदारनाथ जी का कपाट खोलने का मुहूर्त निकल जाता है। उसके बाद कल 10 बजे से पलार का भंडार भी चल रहा है और कल रात को विशेष महाभिषेक 8 बजे से परसों सुबह 5 बजे तक लगातार महाभिषेक चलता है। महाशिवरात्रि का लक्षण भगवान केदारनाथ जी का और द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जी का आशीर्वाद सदा सबको ऊपर रहे, बोल के भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।